Hey, hi, it's me Poonam and you're watching Arya Life and Art channel. और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक ब्यूटी ब्लॉग. तो ये है इसके बारे में, यानी कि स्वीट लाइम मौसम्बी. तो ये मौसम्बी का जो जूस है ये बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे हेल्थ के लिए, बट इसका स्किन केयर की प्रॉब्लम्स में भी यूज़ होता है. तो मैंने सोचा कि ये जो छोटी सी जानकारी है आप लोगों के साथ शेयर करूँ. और इसका आज मैं दो चीज़ आपको बना के दिखाऊंगी, पहला स्क्रब और दूसरा फेस पैक. तो इसका जो पील होता है, यानी कि जो इसका छिलक होता है, इसका भी फेस पैक बनता है, बट वो मैं कभी और आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखाऊंगी, बिकॉज अगर अभी वो भी फेस पैक मैं इसमें ऐड करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एंड टू बोरिंग भी हो जाएगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा. तो अभी तो मैं इसका एक ही फेस पैक और दूसरा स्क्रब बना के दिखाऊंगी. तो स्क्रबिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फेस पैक के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये जो स्किन प्रॉब्लम होती है उसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करता है, जैसे कि एक्ने प्रॉब्लम और ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम, या फिर जो डार्क सर्कल होते हैं उसे रिमूव करने में बहुत अच्छा होता है ये. और इसके अलावा जो आपके स्किन पे सन टैन पड़ जाते हैं या जो भी पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है उसे भी ये सॉल्व करने में बहुत अच्छा होता है. तो ये विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है. विटामिन सी जो होता है वो हमारे हेल्थ के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इस वजह से इसका यूज़ हम दोनों तरीके से कर सकते हैं. अगर आप इसे आपको ये ड्रिंक अच्छी लगती है, ये बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक होती है, तो अगर आपको ये ड्रिंक अच्छी लगती है तो एज़ यूजुअल आप इसे डेली पी सकते हैं, जूस इसका ले सकते हैं डेली. और अगर आपको ये नहीं पसंद है तो आप इसको अपने स्किन पे इस तरह से इसका फेस पैक बना के अप्लाई कर सकते हैं या फिर मास्क बना सकते हैं. तो ये आप मैं आपको बताऊँगी कि इसको आप कैसे स्क्रबिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और फेस पैक के लिए यूज़ कर सकते हैं. उसके लिए आप वीडियो पूरा देखिए. तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो स्क्रबिंग के लिए आप इसी तरीके से कट कर लीजिए और उसके बाद इसमें चीनी ऐड करिए और सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे रब करिए 5 से 10 मिनट के लिए, और उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने फेस को धुल लीजिए. अब इसे स्क्वीज करिए और एक ब्लेंडर में इसका जूस निकाल लीजिए. अब इस जूस में थोड़ी सी हल्दी ऐड करिए. यहाँ पे मैं 1 चम्मच हल्दी ऐड कर रही हूँ. अब इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड किया है, तो आप भी इसमें बेसन ऐड करिए. 1 चम्मच बेसन ऐड कर सकते हैं. इसे तब तक अच्छे तरीके से मिलाइए ताकि ये जो इसका थिकनेस है ये हो जाए, अच्छे तरीके से मिल जाए. और ये हमारा फेस पैक रेडी है यूज़ के लिए. तो हेल्थ के साथ साथ हमारे ब्यूटी और स्किन केयर के रूटीन के लिए भी ये जो स्वीट लाइम का जूस है बहुत अच्छे से यूज़ हो सकता है. तो आप ये ज़रूर ट्राई करिए और इसका फेस पैक भी ट्राई करिए और इसके स्क्रबिंग के लिए भी इसे यूज़ करिए. अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं. तो अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में 2 बार आप इस फेस पैक को यूज़ कर सकते हैं अच्छे रिज़ल्ट के लिए. तो नेक्स्ट टाइम आप इसके फेस पैक को और स्क्रब को ज़रूर यूज़ करिए. तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा. और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. तो मैं मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में.